हमें मत मारो सर, सर प्लीज सर, बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ सर। हमारा बॉस आपके इंस्पेक्टर को एयरपोर्ट लेके गया है, वहाँ से फिर वो उसको बाहर लेकर जाएगा सर। बस और मत मारता सर, बता दिया जितना पता था। अच्छा हवलदार, मार दो एक को, और एक के बदले में हम इंस्पेक्टर को लेंगे इसके बॉस से। जल्दी से एयरपोर्ट चलते हैं, कहीं वो पुलिस वाले यहाँ भी ना पहुंच जाएं। बॉस हम एरोप्लेन से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चिंता मत करो, अभी हमें यहाँ से जाना ही है, एयरपोर्ट पर एयरप्लेन तैयार खड़ा है। मगर बॉस हमारी एक गाड़ी के पीछे पुलिस वाले गए हैं, मुझे लगता है वो उन्हें पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो, पकड़ भी लिया तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि ये इंस्पेक्टर हमारे कब्जे में है, जब तक वो उनको कुछ नहीं करेंगे। बॉस पहुंच गए एयरपोर्ट। अब सब लोग इस एयरप्लेन में बैठो और इस इंस्पेक्टर को भी डाल दो किसी कोने में। ओके बॉस। बॉस मैंने गाड़ियों का इंतजाम कर दिया है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक इस पुलिस वाले से पुलिस स्टेशन फोन करवा कर कहो कि अगर इंस्पेक्टर जिंदा चाहिए तो हमारी लोकेशन पर आ जाओ बिना किसी हथियार के, और साथ में हमारे आदमियों को लेकर आना। ओके बॉस। सर उन गुंडों का फोन आया है, वह लोग इंस्पेक्टर साहब को लेकर मीरामार चले गए हैं और बोला है कि इंस्पेक्टर जिंदा चाहिए तो हमारे आदमी को लेकर आ जाओ। ठीक है, उन्होंने कहाँ आने को कहा है? सर वो मीरामार में है और उन्होंने अपनी लोकेशन सेंड की है। ठीक है चलो जाने की तैयारी करो, और जो गुंडा हमने अभी पकड़ा है इससे पूछो कि इसने बैंक रोबरी की सारी यूसी कहाँ पे छुपाई है, उसे पूछ के सारी यूसी को ढूंढो और उस बैंक के मैनेजर को लौटा दो। फिर वो जो चोरी वाली गाड़ी थी जो हमें नदी के पास मिली थी उसके मालिक तक उस गाड़ी को पहुंचा दो, या उसको इन्फॉर्म कर दो कि उन गाड़ी मिल चुकी है और वो ले जाए। क्यों रे इंस्पेक्टर, लगता है तेरे डिपार्टमेंट वालों को तो जिंदा नहीं चाहिए, अभी तक आए नहीं वो। बॉस वो देखो एक गाड़ी आ रही है, उसमें पुलिस वाले बैठे और हमारा एक आदमी भी है। ठीक है आने दो, अपनी बंदूकें तैयार कर लो, अगर वो कुछ भी चालाकी करे तो मार देना। तुमने जैसा कहा था हम पहुंच गए बिना हथियार के, अब इंस्पेक्टर साहब को हमें दे दो और तुम्हारा आदमी ले लो। हवलदार जाने दो इनके आदमी को। छोड़ दो इंस्पेक्टर को, जाने दो। जाओ
अब निकलो यहां से और वापस मुड़कर देखा ना तो जान से जाओगे सारे। बॉस, आपने उनको ऐसे ही क्यों जाने दिया? तुमको नहीं पता ये पुलिस वाले बहुत चालाक हैं। ये बैकअप के लिए स्नाइपर्स लेकर आए हैं। पहाड़ी पर नहीं देखा तुम लोगों ने? अगर हम इन्हें मारते तो वो हमें मार देते, इसीलिए नो रिस्क। अब निकलो, चलो यहां से, कहीं वे कुछ और प्लान ना कर लें। अब ऑपरेशन का समय आ चुका है, सभी ऑफिसर्स तैयार हो जाओ, अपनी गन्स तैयार कर लो। अभी इनकी पूरी गैंग का खात्मा करना होगा ताकि ऐसा काम आगे कोई ना कर सके। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए इनमें से। गो 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 गो, गो।